काबीना की हल्फबरदारी की तकरीब में जहां संजीदगी गालिब रही, किसी ने हल्फ लिया और किसी ने सदारत की। कोई सिर्फ तमाशाई था, मगर इस दौरान में हमारे मोहतरम वजीर आजम क्या करते रहे, आइए आपको दिखाते हैं। वफाकी काबीना की तकरीब हल्फबरदारी पर दुनिया भर की नजरें थीं। टीवी कैमरे भी लम्हा ब लम्हा अहवाल दिखा रहे थे। दिल की धड़कनें तेज थी कि जाने कौन बने हीरो और कौन जीरो। और ये खड़े हुए वफाकी वज़रा मेज के दोनों जानिब, जैसे ही सदर साहब खड़े हुए, वजीर आजम साहब की भूख चमक उठी। लगता है दिन भर की मसरूफियात में कुछ तमाम का मौका ही नहीं मिला, इसलिए खाने की चीज कोट की जेब में डालकर साथ ही ले आए। मुमकिन है इस खुशी में भूख ना लगी हो कि बाकी वज़रा के साथ उनकी अपनी नौकरी भी बच गई। हल्फ लेकर वजीर बनने के उम्मीदवार तो सब हैं कि हिना रब्बानी खर नाराज हैं या फिर उनके कुर्सी से ना उठने की वजह कुछ और है। जब हल्फ लेने के बाद सदर जरदारी अपनी निशस्त पर बैठे तो वजीर आजम ने उनके कान में कोई सरगोशी की, शायद नई काबीना मुंतखब करने पर सदर को मुबारकबाद दे रहे हों।